अलैकुम क्लास। हेलो क्लास, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, हेलो हेलो, जी मैम, आवाज आ रही है? जी सब्सटेंस ऑफ गॉड, कल हम लोगों ने कहाँ पे छोड़ा था? हाँ, सब्सटेंस मोनिज्म। मोनिज्म का मतलब होता है एक, ठीक है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ऑफ फोनजा सिस्टम इज हिज सब्सटेंस मोनिज्म। अब वो एक सब्सटेंस जो एक ही तरह से वो कह रहा था कि वो है गॉड, कि हम लोग इसमें देखेंगे गॉड और नेचर का आपस में रिलेशनशिप। बेसिकली सब्सटेंस एक गॉड को लिया है या फिर एक नेचर को लिया है। यहाँ पे उन्होंने कुछ कैटेगरीज बताई हुई हैं। एवरी सब्सटेंस हैज एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट, कि हर एक सब्सटेंस की एक एक एट्रीब्यूशन होगी। अगर वो नेचर है तो उसकी अपनी एक एट्रीब्यूशन होगी, और अगर एक गॉड है तो उसकी अपनी एक एट्रीब्यूशन होगी। टू सब्सटेंस कैन नॉट शेयर द सेम नेचर और एट्रीब्यूट। वो कहते हैं जब हमारे पास दो सब्सटेंस आ जाएंगी तो वो बिल्कुल भी किसी भी रिलेटेड से एक जैसी नहीं होगी। उसके बाद क्या है, गॉड हैज ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट। जो हमारे पास खुदा है उसके पास हर तरह के पॉसिबल एट्रीब्यूशंस हैं, कि वो किसी न किसी तरीके से हमें जो है वो महफूज रख रहा है, या वो हमारे साथ लिंक में है। उसके अलावा वो कहता है गॉड एग्जिस्ट, कि जो खुदा है वो एग्जिस्ट करता है। और अदर सब्सटेंस से को अगर हम लोग साइड पे करें, जैसे उन्होंने लिखा, देयर फॉर नो अदर सब्सटेंस अदर देन गॉड कैन एग्जिस्ट। अगर किसी भी उन सब्सटेंस को देखें तो वो गॉड के अलावा एग्जिस्ट नहीं करते। सब्सटेंस ऑफ गॉड आफ्टर स्टेटिंग हिज प्रूफ फॉर गॉड एग्जिस्टेंस, इन चीजों के बाद उसने कहा था कि गॉड जो है वो मौजूद है, ठीक है। स्पोंजा एड्रेसेस हु गॉड इज, कि गॉड है क्या। स्पोंजा बिलीव दैट गॉड इज द सम ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल लॉज ऑफ यूनिवर्स एंड कॉन्स्टेंटली नॉट एन इंडिविजुअल इंटेनिटी और क्रिएटर। जो गॉड है वो बल्कि हर चीज का कलेक्टिविटी है, हर नेचर की, हर नेचुरल, हर फिजिकल, हर तरह की यूनिवर्स की चीज का जो बनाने वाला है, या उसको कलेक्ट करने वाला है, या उसको जमा करने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ गॉड है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटाफिजिक्स एंड मोड्स। मेटाफिजिक्स हमारे पास, मैंने पहले बताया था, ये दो चीजों के आपस में अट्रैक्शन है। ये एक फंडामेंटल टर्म है। फंडामेंटल का मतलब होता है साइंटिफिकली। ये एक साइंटिफिकली टर्म है जिसमें हम लोग एलिमेंट्स ऑफ वर्ल्ड को देखते हैं, कि वर्ल्ड में जो जितने एलिमेंट्स हैं क्या वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन रखते हैं, एक दूसरे को जो है मिलाते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। ऑल अदर ब्रिंग आर मोडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। जैसे जैसे हम इन सब्सटेंस को मॉडिफाई करते जाते हैं और हमारे पास उस नेचर के बारे में जो है चीजें आती जाती हैं। मोड्स, द वे इन विच सब्सटेंस कैन बी अफेक्टेड और मोडिफाइड। सब्सटेंस को हम लोग जो है वो अफेक्ट करते हैं, या फिर हम सब्सटेंस को, सब्सटेंस क्या होती हैं, माया, ऐसी चीजें जो कि एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं, एक दूसरे को मिलके एक चीज की वजह बनती हैं, ठीक है। सब्सटेंस हमारे पास लिक्विड हो सकता है, सब्सटेंस हमारे पास धुआं हो सकता है, सब्सटेंस हमारे पास पानी हो सकता है। हमारे पास डिफरेंट चीजें जो जो नेचर में है, जो जो इस दुनिया में मौजूद है, वो हमारे पास सब्सटेंस से का वर्ड उनको उन्होंने यूज किया है, ठीक है। जी जी बेटा, मैम बच्चों को ऐड कर लें। ओके। उसके बाद सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है। सब्सटेंस एज दैट विच इज इट सेल्फ एंड कन्वेइंग थ्रू इट सेल्फ।
ठीक है, सब्सटेंस है ही बेसिकली हम हैं, कि मेरी सेल्फ है क्या, ये भी एक सब्सटेंस है। उसके बाद इन्फिनेट एट्रीब्यूट ऑफ गॉड, वी हैव नॉलेज ऑफ ओनली टू माइंड एंड मैटर। अगर हम लोग गॉड को देखें तो गॉड दो चीज़ों से बनता है, या गॉड के सब्सटेंस या गॉड के नॉलेज के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। मतलब कि हम अगर गॉड के बारे में नॉलेज रखते हैं तो उसके लिए हमारे पास माइंड होना चाहिए और मैटर होना चाहिए। मैटर क्या है? ऐसी मैटर, ऐसा ऐसा वे है जिसके थ्रू हम लोग चीज़ों को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। टू सब्सटेंस नथिंग इन कॉमन एंड वन कैन नॉट बी द कॉज ऑफ अदर। दो चीज़ें कॉमन हो ही नहीं सकती, ठीक है। वो कहते हैं दो सब्सटेंस कभी कॉमन नहीं हो सकते। जैसे कि आग और पानी कॉमन हो सकते हैं? नेवर। हम इन दोनों को मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते। आग एक डिफरेंट सब्सटेंस है, पानी एक डिफरेंट सब्सटेंस है, जमीन एक डिफरेंट सब्सटेंस है, मट्टी एक डिफरेंट सब्सटेंस है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी की सारी सब्सटेंस खुदा या गॉड की बनाई है। टू सब्सटेंस नथिंग इन कॉमन एंड वन कैन नॉट बी कॉज द ऑफ अदर। थॉट एंड एग्जिस्टेंस, गॉड इन थिंकिंग एंड आल्सो एक्सटेंशन थिंग। कि हमारी जो थॉट्स हैं या जो हमारा वेज है, ये सारा हमारे गॉड के साथ रिलेट करता है। हम जितना सोचते हैं ये हमारे गॉड के साथ रिलेशनशिप को और ज्यादा बढ़ाता है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट एंड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज गॉड। अगर कोई चीज मौजूद है तो वो गॉड की वजह से है, अगर गॉड मौजूद है तो हर चीज मौजूद है, ठीक है। उसके बाद है रैशनलिज्म, जो है ये एक एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन। एपिस्टेमोलॉजिकल एक जो है लॉजिकल वे है, एपिस्टेमोलॉजिकल एक कॉजल रिलेशनशिप है। एपिस्टेमोलॉजी एक ऐसी कॉज को बताता है जिसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और उस वजह या उस रीजन के साथ साथ हम लोग अपनी प्राइमरी सोर्सेज को देखते हैं, जो कि हमारे बेसिक नीड्स हैं या हमारा बेसिक नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा बेसिक नॉलेज बचपन से ही हमें अपने रिलीजन के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। अगर हम लोग देखें तो हम बहुत छोटे थे जब हमें कुरान पाक पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता था, जब हमारी स्कूलिंग भी शायद उस तरह से स्टार्ट नहीं हुई थी, जब हमें अल्लाह का वर्ड सिखाया गया था कि अल्लाह कौन है, अल्लाह एक है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे रैशनलिज्म से रिलेटेड कुछ नॉलेज हैं, कुछ सेंसेस हैं जो हमें बताई जाती हैं। रैशनलिस्ट बिलीव करते हैं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के साथ कैन प्रोड्यूस अनडिजायरेबल और एब्सोल्युटली सर्टेन होते हैं। ये हमारी नेचर के साथ, ये एग्जिस्ट करते हैं होल रियलिटी के साथ। उसके अलावा ट्रुथ्स जो है ये एक प्रेयर और इननेट आइडियाज हैं। मतलब कि सच्चाई होती ही क्या है, सच्चाई के बारे में हमारे आइडियाज क्या है, क्योंकि इनको डिस्कवर किया जाता है इंडिपेंडेंटली, इन एक्सपीरियंस को देखा जाता है एम्पिरिकली, ऑब्जर्व किया जाता है और इन पे एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है। हम लोग आइडियाज के थ्रू ही एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रेट स्टैंड नॉट ओनली एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी। उन्होंने कहा कि जो है डिस्क्रेट्स को हम लोग फादर ऑफ साइकोलॉजी या मॉडर्न फिलोसफी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसने ओरिजिनल आर्चीटाइप जो है ना उसको रैशनलिस्ट करार दे दिया था। आर्चीटाइप्स होती हैं आपकी परसोना, आप जब अपनी आप पे कोई चीज या कोई ग्लाव चढ़ा लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब आप खुश नहीं हो लेकिन आप लोगों को खुश होके दिखा रहे हो, मतलब कि एक एक्टर टाइप फीलिंग, कि आपने सिर्फ एक एक्टिंग का एक वे है जिसको आपने करना है, और उसी के थ्रू आपकी जो है थॉट्स वो बनती हैं। फिलोसफी ऑफ रैशनलिज्म, रैशनलिज्म एक फिलोसफिकल टर्म थी स्टार्टिंग में, और रैशनलिज्म के बारे में बहुत से व्यूज आए, बहुत से आइडियाज आए। इसके पीछे रीजनिंग को देखा गया, इसके पीछे अंडरस्टैंडिंग को देखा गया, इसके पीछे जितने ऑब्टेन नॉलेज है उनको देखा गया। ठीक है, इसके पीछे फिलोसफिकल व्यूज को देखा गया, इसके पीछे रीजनिंग को देखा गया, इसमें होल्ड किया गया रियलिटी को। रैशनलिज्म और एम्पिरिकिज्म, रैशनलिज्म जो है या एम्पिरिकिज्म, रैशनलिज्म भी हमारे पास एक थिंकिंग प्रोसेस है, एम्पिरिकिज्म हमारे पास एक साइंटिफिकल टर्म है, लेकिन इन दोनों को हम लोग साइंटिफिकली टर्म में लेते हैं, रैशनलिज्म को भी और एम्पिरिकिज्म को भी। अब रैशनलिज्म क्या है? ये सम नॉलेज ऑफ वर्ल्ड इज इम्पोर्टेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस, दैट इज सम नॉलेज इज इनबॉर्न।
अगर हम लोग इन नेट की बात करें तो वो हमारे पास रैशनलिज्म है, अगर हम लोग इम्पीरिकिज्म की बात करें तो ये वो नॉलेज है जो हमें वर्ल्ड के थ्रू मिलता है, ठीक है। जजमेंटल रैशनलिज्म, इसमें हमारे पास सिंथेटिक जो है प्योर ट्रुथ्स होते हैं कि हम लोगों ने सच्चाई पे फोकस करना होता है। वी कैन लर्न, अगर हम लोग सच्चाई ट्रुथ क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग, हमारे पास दुनिया में कोई भी मुश्किल आती हैं तो हम लोग अगर सच्चाई पे चलें, फॉर एग्जाम्पल सच्चाई क्या है कि हर, अगर हम अपने रिलीजन को देखें तो कुरान पाक में खुला इस चीज़ का जिक्र है कि हर परेशानी के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो ये एक बड़ी ट्रुथफुल सी स्टेटमेंट है, अगर हम इस पे वर्क करेंगे तो हम रैशनलिज्म की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ट्रुथ पे नहीं चलेंगे, हम लोग परेशानी को कहेंगे ओहो मेरे पे आई है, दुनिया में तो शायद कभी किसी पे परेशानी नहीं आई, मेरे पे जो आई है ये किसी पे नहीं आ सकती, जो मेरे साथ है वो किसी के साथ नहीं है, तो ये इरेशनल हो जाता है, ठीक है। तो ट्रुथ बेसिकली, रैशनलिज्म का वर्ड जो ट्रुथ है ना, वो आपको रैशनलिस्टिक बनाता है, आपके आइडियाज को, आपकी जो रियलिटी है उसको ये जो है स्ट्रेंथ देता है। डिपेंडेंट स्टैंडर्ड ऑफ ट्रुथ, हमारे पास ट्रुथ के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। फ्रेंच फिलोसफर था डिक्रेज, जिसने प्रपोज किया था कि हम ट्रुथ को दो चीजों की बेस पे एक्सेप्ट करते हैं, फर्स्ट इज क्लियर एंड सेकंड वर डिस्टिंक्ट। क्लियर क्या है, ही डिफाइंड एज दैट विच इज प्रेजेंट एंड अपेरेंट टू एन अटेंटिव माइंड। अगर जो चीज हमारे पास प्रेजेंट है, अपेरेंट का मतलब होता है कि हमारे पास साफ है, क्लियर है, हमारे सामने है, तो हम लोग उसको जो है अटेंटिवली अगर अपने माइंड में स्टोर करते हैं और उसको डिफाइन कर पाते हैं, उसको सही तरीके से देख पाते हैं, उसको सुन पाते हैं, तो वो हमारे पास क्लियर है। डिस्टिंक्ट क्या है, कि ही डिफाइंड एज दैट विच इज सो प्रिसाइज एंड डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स दैट इज कंटेन विद इन इटसेल्फ, नथिंग बट दैट इज क्लियर। बट इज क्लियर मतलब कि डिस्टिंक्ट क्या है, दूर होना, परे होना किसी भी चीज से। तो अगर आप किसी भी चीज को इस तरह से डिफाइन कर रहे हो जो कि बहुत ही शॉर्ट है, जो आपको समझ नहीं आ रहा, जिन ऑब्जेक्ट्स का आपको नॉलेज नहीं है, जो कि क्लियर नहीं है, तो वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है। उसके बाद है इननेट आइडियाज, सम आइडियाज आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, कुछ चीजें हमारे पास जो है वो बाय बर्थ होती हैं। आइडियाज जो है वो रिक्वायर करते हैं प्रूफ को, वो सजेशंस को और एक्सपीरियंस को। अगर हमारे पास कोई आइडिया है, उसके पीछे हमारे पास उस आइडिया को प्रूफ करने के लिए, सजेशन देने के लिए रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो वो आइडियाज या इननेट आइडियाज किसी काम के नहीं है। थ्योरेटिकली डिस्कवर्ड किया जाता है कि हम लोग माइंड को देखें कि हर इंसान अपने माइंड को किस तरह से यूज करता है, थ्योरेटिकली देखें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। डिस्क्रेट जो है वो आर्ग्यू करता था कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो है ना, ये एक आर्ग्यूमेंट है कि क्या वाकई ही वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम उसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमारे पास, अगर हम लोग किसी भी रिलीजन को ले लें, तो किसी भी रिलीजन में गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, वो नजर नहीं आता, ठीक है। अगर कोई भी हम लोग रिलीजन ले लेते हैं तो वो नजर नहीं आता, वो एक ऐसी चीज है जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ बिलीफ सिस्टम, हमारी एट्रीब्यूशन के साथ मैच करता है। रैशनलिज्म इज बेसिकली प्रैक्टिस एज प्रिंसिपल ऑफ बीइंग ओपिनियंस एंड एक्शंस और रीजंस एंड नॉलेज। अब वो सिर्फ और सिर्फ जो रैशनलिज्म है वो नॉलेज पे डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास कितना नॉलेज है, हमारे पास उस नॉलेज से रिलेटेड कितने रिलीजियसली बिलीव्स हैं, हमारे पास उन्हीं बिलीव से रिलेटेड कितने इमोशन रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है। साइंटिफिकली रैशनलिज्म को अगर देखा जाए तो ये फिलोसफी है, थ्योरी दैट रीजन रादर देन एक्सपीरियंस इज द फाउंडेशन ऑफ सर्टेनिटी इन नॉलेज। फिलोसफी एक फाउंडेशन है ताकि हम लोग नॉलेज को गेन कर सकें, क्योंकि फिलोसफी हमें बताता है कि क्या है, कैसे है और क्यों है, कब से है, कब आया और कब इसने खत्म होना है, ये फिलोसफी है। तो बेसिकली फिलोसफी हमें ये एक नॉलेज प्रोवाइड करती है कि हम नॉलेज को किस तरह से गैदर करें। थियोलॉजी जो है ये एक प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग रीजंस एज द अल्टीमेट अथॉरिटी इन रिलीजन। ये हमें, थियोलॉजी हमें प्रैक्टिस बताती है कि हमने किस तरह से ट्रीट करना है, कोई भी वजह है किसी भी चीज़ का, अल्टीमेटली कोई अथॉरिटी है रिलीजन से रिलेटेड, तो हमने सिर्फ और सिर्फ उनकी ट्रीटिंग का बताना है,
ठीक है, जैसे कि हम अपने अपने रिलीजन में, अगर कोई भी हमारे रिलीजन में बुरी बात करता है, कोई अच्छी बात करता है, कोई आलम है, कोई अच्छा बोलने वाला है, कोई अच्छा जो है वो लिखने वाला है, तो वो हमारे हमें थियोलॉजी बताती है कि हमने उसके साथ ट्रेड किस तरह से करना है, बिकॉज हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको सुनते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्शंस ऑफ रैशनलिज्म. हाउ कैन वी हैव नॉलेज इन आवर माइंड इफ वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. अगर हम लोग देखें तो हम अपने बहुत से माइंड के ऐसे नॉलेज से अवेयर नहीं होते कि हमें अपनी बहुत सी ऐसी हिडन क्वालिटीज है जिनका आज तक नहीं पता. ठीक है, इज नॉट इट टू नो समथिंग टू बिलीव इट. हम उन पे यकीन भी नहीं कर पाते कि ये वाकई ही मेरे माइंड में मौजूद थी. तो वो कहता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें खुद आइडिया होता ही नहीं है. तो बेसिकली वहां पे रैशनलिज्म कहाँ जाता है, वहां पे हम रैशनलिज्म को कहाँ लेते हैं कि ऐसे जो इननेट हमारे पास एबिलिटीज हैं, इननेट नॉलेज है, उनका तो हमें कई कई सालों तक नहीं पता चलता है कि वाकई मेरे में ये एबिलिटीज भी थी. ठीक है, अब आगे है रोमांटिकसिज्म. मुझे अब उसकी अच्छा, ये जो था हमारे पास रैशनलिज्म, ये कितने बच्चों के पास था बेटा? जल्दी बताओ मुझे, आप फिर कल की तरह कर रहे हो, मैं मीटिंग को कैंसिल कर दूंगी अगर आप लोगों ने इस तरह से हरकतें करनी होती हैं तो. मैम, रैशनलिज्म ये किस ग्रुप तरह में का आता है, वहां से सारे ले लेते हैं। बेटे? मैं कह रही हूँ कि ये रैशनलिज्म कितने बच्चों का टॉपिक था? मैम, ये खिजरा का ही था। हिजरा तो आपने इसमें सिर्फ स्पोंजा को ही जो है वो सर्च आउट किया, बाकी किधर है? मैम, खिजरा नहीं है मीटिंग में। चलो, ये हिजरा को मेरी तरफ से आप कह देना. ठीक है, इसमें और भी फिलोसफर्स आते हैं, उसने उसको बिल्कुल भी टच नहीं किया. फ्रेडरिक हेजल ने रोमांटिकिज्म पे काम किया था. ही वॉज बॉर्न इन अगस्त 21, 1770 एंड डाइड इन नवम्बर 14, 1831. हिज रैशनली नेशनली वॉज जर्मन. ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर. वट इज रोमांटिकिज्म, एक्सप्लेन. द डेफिनेशन ऑफ रोमांटिकिज्म इज अ स्टेट ऑफ, ये बच्ची की राइटिंग मुझे समझ नहीं आ रही, स्टेट ऑफ लिविंग रोमांटिक और अफेक्शनेट इन अ सेंटिमेंटल वे और एन 18th century मूवमेंट इन द आर्ट्स एंड द लिटरेचर दैट एम्फसाइज्ड नेचर, इमेजिनेशन, इमोशंस एंड द इंडिविजुअल. अब यहाँ पे उसने कहा कि जो फ्रेडरिक हेजल था, इसने बहुत ज्यादा रोमांटिकिज्म पे काम किया था. रोमांटिकिज्म में उसने ये ज्यादा से ज्यादा जो है वो रोमांटिक लिविंग को बताया था, लिविंग रिलेशनशिप को. अगर आप किसी के साथ भी लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो आपका उसके साथ अफेक्शन कितनी, अफेक्शन के आपका उसके साथ ताल्लुक कैसा है, आप उसके साथ कितने सेंटिमेंटल वेज में हैं, मतलब के इमोशनल हैं. उसमें उसने एक मूवमेंट को देखा था आर्ट्स को, कि आर्ट में लोग जिस तरह की पेंटिंग बनाते हैं वो बेसिकली रोमांटिकिज्म का को एक्सप्लेन करते हैं. बहुत सी ऐसी पेंटिंग्स होती हैं जिसमें मतलब के गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप जो है वो रोमांटिक वे में बताया जाता है. तो ये आर्ट्स का, लिटरेचर, पोएट्री, पोएट्री में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बताई जाती हैं लव से रिलेटेड और इश्क से रिलेटेड. तो बेसिकली ये सब कुछ जो है ना, ये रोमांटिक को बताता है कि आप अगर आर्ट में या लिटरेचर में किस तरह से इन चीजों को एक्सप्लेन करते हो. उसके अलावा इम्फसाइज किया गया था नेचर पे, कि नेचर के साथ प्यार जो है या नेचर के साथ जो लव है ये भी एक रोमांटिक सिज्म ही है. इमेजिनेशन के आप जो जो चीजें अपने माइंड में सोचते हो या जो आपके इननेट या आपके हिडन डिजायर्स हैं वो इमेजिनेशन है, या जैसे आप करना चाहते हो वो इमेजिनेशन है. इमोशंस क्या हैं आपके, उसी से रिलेटेड आपकी फीलिंग्स क्या रखते हो आप उस फीलिंग्स में आपकी हायर फीलिंग्स हैं या लो हैं या लो इमोशंस हैं. तो बेसिकली ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं. उसके अलावा जर्मन पोएट था फ्रेडरिक. फ्रेडरिक खुद एक पोएट भी था, एक फिलोसोफर भी था. पोएट्री जो थी इसकी बेसिकली वो रोमांटिक और डिस्क्राइब करती थी लिटरेचर को. और इसमें जो है लिटरेचर को डिफाइन किया जाता था इमोशंस के साथ, इमेजिनेशन के साथ.
डेफिनेशन क्या है? रोमांटिसिज्म रेफर्स टू अ मोमेंट इन आर्ट. ये स्टार्ट ही आर्ट से हुई थी जिसमें उन्होंने फोटोज बनाना शुरू की या पेंटिंग बनाना शुरू की. और लिटरेचर एंड म्यूजिक ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में म्यूजिक में, पोइट्री में, लिटरेचर में, आर्ट में, इन सब चीज़ों में रोमांटिसिज्म को एक्सप्लेन किया गया था कि बेसिकली होता क्या है. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म इमेजिनेशन है, इंट्यूशन है, आइडियलिज्म है, इंस्पायरेशन है, इंडिविजुअलिटी है. इमेजिनेशन में हमारे पास है कि हम लोग जब किसी भी चीज़ को इमेजिन करते हैं तो हमारे पास उस चीज़ के बारे में जो है वो जो है आइडियाज जनरेट होना शुरू हो जाते हैं. हमारे पास पहले इमेजिनेशन आती है, ठीक है, हम लोग उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, फिर हम उनके बारे में आइडियाज को डिवेलप करते हैं ताकि हम उसको जो है वो रियलिटी में लेके आ सके. इंट्यूशन क्या है? रोमांटिकिज्म, रोमांटिक प्लेसेस, वैल्यू और इंट्यूशन और फीलिंग्स एंड इंस्टिंक्ट्स ओवर रीजन. इमोशंस वर इम्पोर्टेंट एंड रोमांटिक आर्ट. जैसे कि हमारे पास ताजमहल है, ये एक ऐसी प्लेस है जो कि हमें बताती है कि ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि उसको उसके साथ प्यार था, ठीक है. तो बेसिकली ये इंट्यूशंस हैं जो कि रोमांटिक प्लेसेस हैं, वैल्यूज़ हैं, जो कि हमें इन चीज़ों के बारे में बताती हैं और हमारे आइडियाज़ को, हमारे इमेजिनेशन को डिवेलप करती हैं. आइडियलिज्म इज़ अ कॉन्सेप्ट डैट कैन मेक द वर्ल्ड a better place. Idealism refers to any theory and emphasizes the spirit, the mind or language over matter. अब ये जो चीज़ें हैं, आइडियलिज्म है, ये आपके कॉन्सेप्ट पे बेस करती है कि आप अगर इमेजिन करते हो, आप अगर उसको इंट्यूशन देते हो, उन जगहों पे जाते हो, तो बेसिकली आपकी आइडियाज ऑटोमेटिकली उस तरह से डिवेलप होना शुरू हो जाते हैं. इंस्पायरेशन, फिर आप उनसे इंस्पायरेशन को लेते हो और आप उस तरह की चीज़ों को करने की कोशिश करते हो, ठीक है. वो आप लोग अनकॉन्शियसली भी कर सकते हो और कॉन्शियसली भी कर सकते हो. इंडिविजुअलिटी में जो है ये रोमांटिक सेलिब्रेशंस हैं जो कि हम लोग इंडिविजुअली तौर पर करते हैं. अब हर इंसान का जो रोमांटिक रिलेशनशिप है वो हर इंसान से डिफर होता है. तो बेसिकली ये इंडिविजुअलिटी है कि हर इंसान की सोच, हर इंसान की इमेजिनेशन, हर इंसान के इंट्यूशन दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है. अब यहाँ पे कुछ आर्ट्स की एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं, जैसे कि विजुअल आर्ट है. विजुअल आर्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि बहुत से लोगों का आपस में रिलेशनशिप या एक इंसान का दूसरे इंसान से रिलेशनशिप, उसके इमोशंस को. अब पेंटिंग्स जो है ना वो बहुत कुछ अगले इंसान का बताती हैं. जैसे कि एक इंसान अगर पेंटिंग के थ्रू अपने आइडियाज़ दे रहा होता है, हर इंसान पेंटिंग के थ्रू अपने अपने जो है विजन को दे रहा होता है, हर इंसान अपने जो है वो सेंसेशंस, इमोशंस, फीलिंग्स बता रहा होता है, ठीक है. म्यूजिक, अगर कोई इंसान पोइट्री लिख रहा है तो वो म्यूजिक के थ्रू बता रहा होता है कि वो किस तरह का टेस्ट है उसका, किस तरह का माइंड है या किस तरह की उसकी सोचे हैं. रोमांटिक म्यूजिशंस, भव्य बुला रहे हैं. रोमांटिकिज्म जो है ये म्यूजिक में भी होता है, जैसे कि इसमें हम लोग कंपोज करते हैं चीज़ों को, हम लोग म्यूजिक के थ्रू बताते हैं कि एक म्यूजिशियन जो है वो अपने म्यूजिक को क्लासिकल वे में लेके जाता है या फिर उसको रॉक में लेके जाता है. तो बेसिकली इसके थ्रू भी हमें चीज़ों का आइडिया होता है कि कोई इंसान किस तरह से जो है वो रिलेट करता है. म्यूजिक कंपोनेंट्स में अगर देखा जाए तो 1730 से 1820 और 18 से 1910 तक जो है क्लासिकल म्यूजिक को पर बहुत ज़्यादा इम्फसाइज किया गया था. उसके बाद 1820 to 1930 में रोमांटिक म्यूजिक पर बहुत ज़्यादा इम्फसाइज किया गया था, ठीक है. मेन फीचर्स ऑफ रोमांटिकिज्म में हमारे पास इम्फसाइज है इमोशनल पे, इमेजिनेशन पे, हमारे एक्सप्रेशंस पे, हमारी फीलिंग्स पे, हमारे इमोशंस, हमारी इमेजिनेशन, हमारे आइडियाज. बेसिकली ये सब हमारे रोमांटिकिज्म को बताते हैं. व्हाट इज़ द फिलोसफी ऑफ रोमांटिकिज्म? रोमांटिकिज्म एक ऐसी फिलोसफिकल मूवमेंट है जो कि एज ऑफ अलाइनमेंट के तौर पे बताई जाती है कि ये उस ऐसी मूवमेंट थी जिसने लोगों के आइडियाज़ को चेंज कर दिया था. ये एक ऐसी ऐसा वे था, मतलब कि जर्मनी में एक ऐसी मूवमेंट हुई जिसने लोगों के आइडियाज़ को चेंज कर दिया जब उन्होंने रोमांटिक पोइट्री, रोमांटिक पेंटिंग या रोमांटिक लिटरेचर
या रोमांटिक म्यूजिक को देखा, तो वो फिर ऐसे मोमेंट थे जिसके साथ लोगों पे बहुत ज्यादा इम्फसाइज हुआ, लोगों के आइडियाज बहुत ज्यादा चेंज हुए, न्यू डेवलप हुए, ठीक है। रूट्स क्या थी इसकी? रूट्स जो थी वो इसलिए थी ताकि सोशलाइजेशन को चेंज किया जा सके, लोगों को फ्रीडम दिया जा सके अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने का, लोगों को अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का जो है वो फ्रीडम दिया जा सके बेसिकली। इससे पहले आर्ट के थ्रू या म्यूजिक के थ्रू या फिर लिटरेचर के थ्रू लोगों को इतना फ्रीडम नहीं था कि वो अपने आइडियाज को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकें। उसके अलावा रोमेंटिकिज्म एज अ सेट ऑफ माइंड, रोमेंटिकिज्म जो है ये एक बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है जो कि हमें बताती है कि हमने कि एक आर्टिस्ट, एक पोइटिस्ट, एक म्यूजिशियन का माइंड सेट किस तरह से होता है और वो किस तरह से इमोशनली रिस्पॉन्सेस के थ्रू इन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसकी जो पॉइनरिंग थी वो बेसिकली ये बताना थी कि लोगों के, हम जब एक पेंटिंग को देखते हैं कि अगर वो पेंटिंग में दो लोगों का आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज या बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप दिखाया गया, तो हमें इस चीज़ से हमें पता चलता है कि जिसने ये बनाई है उसके आइडियाज किस तरह के हैं। तो बेसिकली ये सेट ऑफ माइंड बताता है कि उसके पीछे वो उस इंसान का माइंड सेट क्या था, ठीक है। आर्ट में भी बेसिकली इसी तरह से इसको डिफाइन किया गया था। उसके बाद एस्थेटिक मोमेंट थी, ये एस्थेटिक मोमेंट होता है कि जो आप किसी भी चीज़ के बारे में जो कंसर्न है ना, तो उसके बारे में आप इतने ज्यादा वे या आउट ऑफ द वे जाके सोचते हैं क्योंकि आपकी कंसर्निंग है, तो आप कंसर्न होने की वजह से आप आउट ऑफ द वे जाते हो, आप अपने आप को देखते हो, आप अगले बंदे को देखते हो, अगले लोगों को देखते हो और उसी के थ्रू फिर आप आगे लाइफ में काम करते हो। जैसे कि हम अगर मटेरियल, अगर हम रोमांटिक वे को देखें तो ये एक मटेरियलिस्टिक वे है, ठीक है, कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आप और सिर्फ आप ह्यूमनिज्म के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हो, आप रोमांटिक सॉन्ग्स के साथ लोगों को प्रोवोक कर रहे हो, तो वो बेसिकली जो है ना ये एक मटेरियलिस्टिक वे हो जाता है कि आप सिर्फ दुनिया के बारे में सोचते हो, आप अपने रिलीजन को या दूसरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हो और आपकी इन्हीं सोचों का दूसरे लोगों पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है, जो जो उसको देखते हैं, जो जो उसको सुनते हैं। आगे किसका है टॉपिक बेटा? आगे था एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। हाँ आई थिंक उसका मैंने आपको एक जो है वो लिंक भी सेंड किया था। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या है? अपनी अपनी स्क्रीन्स को देखो। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल थिंक एंड एक्ट एज डू, ठीक है। इसके लिए 5 मेजर गोल्स हैं जैसे कि डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट, कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस। हाउ इम्पोर्टेंट इन साइंस इन साइकोलॉजी, इट ऑफर्स सिस्टमेटिकली एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर टू गैदर इंफॉर्मेशन। उसके अलावा प्रोवाइड करता है स्क्रीन ही फ्रेमवर्क। शो हो रही है। बेटे मैंने तो कर दिया ऑन, स्क्रीन शेयर हो रही है, किसी को भी नहीं हो रही? स्टूडेंट्स हो रही है मैम, ओके हो रही है। उसके अलावा हाउ इम्पोर्टेंट इज साइंस इन साइकोलॉजी, इट रेफर्स ऑफर्स सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर टू गैदर इन्फॉर्मेशन। साइंस एक ऐसा वे है जिसके थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं।
ठीक है। उसके अलावा ये प्रोवाइड करता है हमें एक होल फ्रेमवर्क के हमने किस किस तरह से काम करना है। उसके अलावा ये एविडेंस प्रोवाइड करता है, सॉल्यूशंस निकालता है प्रॉब्लम्स के। उसके अलावा ये प्रैक्टिशनर होता है, कैसे ये गाइड करता है एक प्रैक्टिशनर्स को कि अगर हम साइंस जो है ये हमें गाइड करता है कि हमने काम को किस तरह से करना है। उसके अलावा ये हमें जो है ये देर आर टाइम्स इन आ कंपनी वेयर इन न्यूली इंस्टॉल मशीन्स आर नॉट इफेक्टिव टू यूज। मैनी मोर पीपल इन द स्ट्रीट्स टेक मोर टाइम टू हेल्प अनदर पर्सन, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द सोशल मीडिया यूज। अब अगर अगर हम साइंस को देखें तो बेसिकली साइंस हमारे लिए बहुत ज्यादा लिथल भी है, फैटल भी है, क्योंकि साइंस की वजह से लोगों का सोशल मीडिया जो लोगों का इसको यूज करने का तरीका है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। अगर हम साइंस को देखें तो जो बॉम्ब्स वगैरह बनाए जाते हैं ये भी एक साइंटिफिकली वे है, तो उसकी वजह से भी लोगों को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय किया जाता है। अगर ये एक तरफ हेल्प आउट भी करता है तो दूसरी तरफ ये जो है वो डिस्ट्रॉय भी करता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? वेल वर्स्ट होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड को। साइंस का वर्ड जहाँ पे भी आएगा वहां पे एक्सपेरिमेंटल मेथड को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि हम लोग जब भी साइंटिफिकली व्यू को देखते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटल व्यू को देखते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल का मतलब है ओनली एक्सपेरिमेंट्स, ओनली एक्सपेरिमेंटल मेथड, ओनली फील्ड वर्क, ओनली लेबोरेटरी वर्क, ठीक है। अप्लाई द इंसाइट्स इन रियल वर्ल्ड, ये हमें हकीकी दुनिया के बारे में बताता है, ये लर्निंग बताता है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा रिलेशनशिप बताता है, रिलेशनशिप डिवेलप करता है सर्कमस्टांसेस और बिहेवियर्स, कि अगर कोई कोई बिहेवियर आ रहा है तो उसके पीछे कौन कौन सर्कमस्टांसेस हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ऐसा बिहेवियर जो है वो एक्ट आ रहा है, तो ये रिलेशनशिप भी बताता है। उसके अलावा ये रिलेशनशिप बताता है बॉडी एंड नॉलेज का। मेजर कंसर्न ऑफ साइकोलॉजिस्ट, ह्यूमन एंड एनिमल्स आर वेरिएबल्स, ठीक है, ह्यूमंस और एनिमल्स आर वेरिएबल्स हैं। उसके अलावा ये रिपीट करते हैं कि हमने काम को करना किस तरह से है, लेकिन ये रिपीट जो है ये चीजों को बार बार रिपीट भी नहीं करने देते, ठीक है। एक चीज अगर एक बार हो चुकी है तो उसके बारे में दोबारा से उस चीज को वो चैलेंज नहीं किया जाता। ये स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट है, ये कंट्रोल्ड वे होता है, क्योंकि अगर हम फील्ड वर्क की बात करते हैं, हम लोग लेबोरेटरी सेटिंग की बात करते हैं, तो बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट प्रॉपर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होता है। रिसर्च टेक्निक में हमारे पास दो तरह की है, क्वांटिटेटिव डिजाइन है और क्वालिटेटिव डिजाइन है। अगर हम क्वांटिटेटिव मेथड्स की बात करें तो इसमें हमारे पास है इंडक्टिव थ्योरीज हैं और डिडक्टिव थ्योरीज हैं। इंडक्टिव थ्योरीज जो है हमारे पास ये एक सॉलिड डेटाबेस बताती हैं, ये इम्पीरिकल ऑब्जर्वेशन बताती हैं। इम्पीरिकल ऑब्जर्वेशन बेसिकली जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। डिटेक्टिव थ्योरीज जो हैं ये प्रिसाइसली होती हैं, ये टेस्टेड होती हैं, ये हाइपोथेसिस बेस्ड होती हैं। हाइपोथेसिस होते हैं प्रेडिक्शन, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट जो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पेशन गोई करते हैं, किसी भी रिजल्ट के आने से पहले हम लोग बता देते हैं कि इसके ये रिजल्ट आएंगे। हाइपोथेसिस आर क्रिएटेड एज टेंटेटिव आंसर टू द प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट टर्म्स टू रिमेंबर पोस्टुलेट्स हैं और प्रोपोजिशंस हैं। पोस्टुलेट्स हमारे पास फंडामेंटल कोर अजम्पशंस हैं जो कि हमें बताती हैं कि अगर कोई भी साइंटिफिकली टर्म है तो उसके पीछे उसकी बेसिक अजम्पशंस या बेसिकली हमने उसको ज्यूम किस तरह से किया था, जो कि हम लोग एविडेंस के थ्रू ट्रूथफुली बताएंगे। प्रोपोजिशंस जनरली रिलेशनल स्टेटमेंट्स हैं जो कि बताती हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। जैसे कि हमने अगर हाइपोथेसिस जनरेट कर लिया है तो वो जब रिजल्ट्स हमारे पास आ जाते हैं तो तब हम लोग कह सकते हैं हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। इंपॉर्टेंट टर्म्स टू रिमेम्बर, ये कंसेप्चुलाइज डेफिनेशन होती हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशन होती हैं और रेप्लीकेशन होती हैं। कंसेप्चुअल डेफिनेशन जो है बेसिकली बताती हैं कि इस चीज का कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। अगर इसको किसी ने भी बनाया है तो उसने किस कॉन्सेप्ट की बेस पे इसको बनाया था, ठीक है। और ऑपरेशनल डेफिनेशंस जो हैं हमारे पास प्रोसीजर्स बताती हैं कि जिस कंसेप्ट पे हमने काम किया है बेसिकली उस कंसेप्ट के साथ साथ उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये हमारे पास ऑपरेशनल डेफिनेशंस होती हैं।
रेप्लिकेशन हमारे पास जो है वो रिपीटेशंस हैं। अगर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है या कोई स्टडी बनाई गई है तो बेसिकली उसके रिजल्ट्स को रेप्लिकेल मतलब कि रेप्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, वो रिलायबल फाइंडिंग होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और कंट्रोल ग्रुप है। इसमें रिलेशनशिप देखा जाता है सरकमस्टांसिस का और बिहेवियर का। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमारे पास इन्फॉर्म कॉन्सेंट है, डिब्रीफिंग है, ठीक है। इन्फॉर्म कॉन्सेंट हमारे पास बेसिकली होता है कि अगर हम कोई भी काम करने लगे हैं या अगर हम कोई भी रिसर्च वर्क करने लगे हैं तो बेसिकली हम उनसे परमिशन लेते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी किसी भी वे में आप अगर इस रिसर्च से एक्सक्लूड होना चाहें तो आप एक्सक्लूड हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप मतलब कि आपके डाटा को बिल्कुल भी वो लोगों को नहीं बताया जाएगा, आपका डाटा जो है वो बहुत ही जो है राज में रखा जाएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और इसको बिल्कुल भी लोगों के सामने नहीं बताया जाएगा। ये इन्फॉर्म कॉन्सेंट होता है। प्रैक्टिस ऑफ टेलिंग स्टडी पार्टिसिपेंट्स अबाउट द नेचर ऑफ देयर पार्टिसिपेशन इन अ प्रपोज्ड एक्सपेरिमेंट एंड देन ऑब्टेनिंग देयर रिटन एग्रीमेंट टू पार्टिसिपेट। डिब्रीफिंग क्या है कि इन्फॉर्मिंग स्टडी पार्टिसिपेंट्स ऑफ द ट्रूथ नेचर एंड पर्पज ऑफ द स्टडी आफ्टर इट कम्प्लीटेड। हमने डिब्रीफ करना है प्रॉपर वे में, हमने झूठ नहीं बोलना कि हम किस बारे में स्टडी कर रहे हैं। अगर हम एक इंसान का डिप्रेशन लेवल चेक करना चाह रहे हैं तो बेसिकली हम उसको बताएंगे कि हम तुम्हारा डिप्रेशन लेवल चेक करना चाह रहे हैं, इसलिए हम तुमसे ये प्रोफार्मा फिल करवाना चाह रहे हैं, तो तुम्हें हमें इस प्रोफार्मा को फिल करने की क्या तुम रजामंद हो या नहीं हो। तुम्हारा जो प्रोफार्मा है ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, इसके बारे में किसी को नहीं बताया जाएगा और ये जो है मैं सिर्फ और सिर्फ अपने रिजल्ट में यूज करूंगी। अगर अगर तुम चाहो तो तुम्हें मैं इसका रिजल्ट भी शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये एक सच्चाई बेस्ड होता है डीब्रीफिंग। कोरिलेशनल मेथड हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल्स का, ठीक है, एसोसिएशन होती है, दोनों को आपस में रिलेशनशिप देखा जाता है, क्या ये आपस में एक दूसरे को जो है वो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप भी देखा जाता है कि एक चीज के बढ़ रही है तो दूसरी चीज कितनी कम हो रही है। टिपिकली आस्क पीपल अबाउट देयर बिहेवियर ऑन देयर ऑप्शंस। ये हमारे पास सर्वेज हैं कि हम लोग किसी भी एक टॉपिक के बारे में, जैसे कि हमने ये देखना है कि हमारा जो पीएम है वो कितने लोगों को पसंद है और कितने लोगों को पसंद नहीं है या उसका काम किस तरह क्या है। तो बेसिकली वो नॉर्मली सर्वे है, हम लोग लोगों से जाके इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और हम लोग एक टेंटेटिव वे बता देते हैं कि इतने लोगों ने का रिस्पॉन्स ये था और इसके रिजल्ट ये हैं। आर्काइवल रिकॉर्ड या आर्काइवल रिसर्च जो है बेसिकली ये वो रिसर्च है जो कि ऑलरेडी हमारे पास इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। जैसे कि अगर हमने देखना है कि 1980 में कितने लोगों ने जो है वो साइंस सब्जेक्ट्स को पास आउट किया था, तो बेसिकली 90s के लोग जो है वो ऑलरेडी जो है वो बोर्ड में पड़े हैं। अगर हम लोग 90s के लोगों का देखेंगे तो बेसिकली ये आर्काइवल रिकॉर्ड है कि हमारे पास ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड्स हैं, सिर्फ हमने वहां से जाके चेक करके तो उनकी रिजल्ट्स को बना लेना है। कोजाई एक्सपेरिमेंट, ये भी एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है जिसमें हम लोग चीजों को एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। हम लोग रेंडम असाइनमेंट को यूज करते हैं, हम लोग जो है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में इसको कंप्लीट करते हैं। क्वालिटेटिव में एथनोग्राफी है। एथनोग्राफी बेसिकली ये बताती है कि हमारे रिलेशनशिप्स की, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की आपस में करेक्टरिस्टिक्स है क्या, ठीक है, एथनोग्राफी। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन बताती है, फील्ड स्टडीज बताती है कि डाटा को कलेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें नेचुरल ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, हमें उसी सेटिंग में जाके डाटा गैदर करना होता है। केस हिस्ट्री किसी भी इंसान की किसी इवेंट के बारे में प्रॉपर और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। उसके अलावा मुझे वो बता दो बेटे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक किसके पास था।